राजपूत, राकेश आता हूं मैं आपके पास। तीन चार चीजें हैं संदीप भाई, देखिए काफी बातें 90% बातें तो आपने कह दी, आपके कहने के बाद कुछ बचता नहीं है, मैं आपने जो बची है वो मैं बात कह रहा हूं आपसे। पहली बात, आप याद कर लो जाटों के आरक्षण का, सुप्रीम कोर्ट में लचर पैरवी की, जाटों का आरक्षण खत्म कर दिया, आप इसके गवाह हो या नहीं हो आप मुझे बता दो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर जिस तरीके से ये आज इन्होंने चुनाव में आरक्षण खत्म करने की साजिश करी और कह रहे हैं साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कल ये नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तीसरा, इनको मैं आपको एक बात और बता देता हूं, राकेश त्रिपाठी जी विद्वान वकील है भाई, और यहां वाजपेयी जी भी इनके वकील बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, दोनों केस जीतने के माहिर हैं, लेकिन कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक के दलितों की और पिछड़ों की छात्रावृत्ति भी ये सरकार खा गई। पहली चीज, इस देश में मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं नहीं है, इस पर आप अलग से बहस कर लेना, लेकिन पिछड़ा और दलित इस सरकार में दोयम दर्जे का नागरिक है, इनके मंत्रालय में भी बताया जाता है, स्टूल पे बैठाया जाता है पिछड़े मंत्री को। आप एक चीज को बड़ी स्पष्ट देख लो कि जब 2017 वाले उस पर आपने पिछड़ा आयोग की सिफारिशें मानी, वैसे ही ये क्या नाम जो चुनाव था संदिग्ध हो गया था, सबको पता है। क्योंकि मैं लखनऊ की बात बताता हूं, लखनऊ में 84 नए गांव आ गए थे नगर निगम में संदीप भाई, आप बताओ जिस उसमें 84 गांव नए नगर निगम में आ जाए उसमें ट्रिपल टेस्ट ना हो, उसमें राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं बड़ी टीडीएस प्रोसेस है, बुलडोजर चलाने में तो टीडीएस प्रोसेस नहीं है, सिर्फ पिछड़ों को अधिकार देने में बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बाकी किसी चीज में लंबा प्रोसेस नहीं होता, दलितों की नौकरी छीनने में लंबा प्रोसेस नहीं होता, यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पदों पर गैर जरूरी तरीके से प्रोफेसर रखने में नहीं होता। अच्छी बात कही कि पेचीदी है ये प्रक्रिया, इसमें टाइम लग जाता है, ये दलील बीजेपी दे रही है, पेचीदी प्रक्रिया तो आपने भी बना दी थी 2011 में जब सेंसस हुआ, आपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसमें काफी कुछ पता लग जाता पिछड़ों का हाल, 4000 करोड़ रुपए उस बाबत खर्च भी हुए, 2014 तक आप भी उसे सार्वजनिक नहीं कर पाए, और आखिरकार सेंसस के आंकड़े जब 2016 में आए तो वो वाला हिस्सा गायब कर दिया गया, तो आप भी उसी प्रक्रिया के हिस्सा नहीं थे क्या सुरेंद्र राजपूत? आपकी बात बिल्कुल सही, हमने गलती कर दी, हम बहस ही नहीं करते, हमने 2011 में 12 में वो चीज ना करके गलती करी, 2014 में जनता नहीं ने की पर सार्वजनिक नहीं की। अरे सुनो तो आप हमारी बात, हम तो कह रहे हैं सार्वजनिक ना करके गलती करी, हम बहस नहीं करते आपसे क्योंकि आप हमारे पंच परमेश्वर हो, हमने गलती कर दी तो वो सार्वजनिक ना करके, लेकिन उसके बाद जो अगली सरकार आई जो बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में कह करके आई थी कि हम इसको सार्वजनिक करेंगे, नंबर एक, नंबर दो जाति जनगणना करेंगे वो, नंबर तीन हम पिछड़ों का आयोग जो है वो बिल्कुल संवैधानिक दर्जा देंगे, नंबर चार हम पिछड़ों को जो है आरक्षण में जिस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, एक से आठ तक के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे, खत्म कर दी, इन लोगों का क्या करोगे आप? आज की डेट में वर्तमान सरकार से सवाल होंगे या पिछली सरकार से? उससे इसका तो मतलब ये हो जाएगा ना संदीप भाई कि पहले आदमी के पुरखे बंदर थे, बंदरों से सवाल करो।